ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए एकदम बेस्ट माइक है। ये है आपका लेवलियर का माइक्रोफोन और इसका मॉडल है आपका LS338 करके। तो अभी हम यहाँ से अपने माइक की क्वालिटी चेक करते हैं। अभी हमारी स्कूटी चल रही है 38 पे। माइक लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। ये देखो मैंने अभी दोनों साइड की पैडिंग तो खोल दी। हेलो जी गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हमारा सुबह के 11:12 एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट हो रही है, मतलब 11 बज गया दिन के। वैसे कई सारे लोगों के लिए तो 11 बजे भाई सुबह ही होती होगी, बट मैं तो सुबह एकदम ही 5:30 और मैक्सिमम 6 तक उठ जाता हूँ ना, तो मुझे तो 11 ऐसा लगता है कि भाई पूरी ही दिन होगी मेरी। बाकी आज का मेरा क्या प्लान है, आज मुझे करना है अपना ये न्यू वाला माइक इंस्टॉल। और ये मुझे क्यों करना है, बिकॉज जो मैंने अपना पुराना वाला माइक लगाया था ये अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, ये मैंने ना जुगाड़ करके, वैसे माइक में कुछ खराबी नहीं थी बट इसका ना फोम खराब हो गया था, तो इसलिए मुझे भाई न्यू वाला माइक लेके आना पड़ा। बट मुझे बाद में एक ऐसा जुगाड़ पता चल गया था रबर वाला, ठीक है, तो फिर मैंने ये वाला जुगाड़ कर देता। बट अभी इसमें क्या इश्यूज आ रहे, आप प्रीवियस कुछ ब्लॉग्स देख रहे होंगे, वैसे अभी तक किसी का कमेंट तो आया नहीं मुझे कि मतलब ऐसा वॉइस थोड़ा सा अजीब सी आ रही है। बट मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा ना विंड नॉइस तो नहीं आ रहा है, बट बाहर की जो शोर होता है ना गाड़ियों का एंड लाइक हॉर्न वगैरह का, तो उसका बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है अपने मोटो ब्लॉग में। तो सोचे कि क्यों ना न्यू वाला माइक इंस्टॉल किया जाए, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या थी यार, भूल गया, छोड़ो। और हाँ, ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए एकदम बेस्ट माइक है। ये है आपका लेवलियर का माइक्रोफोन और इसका मॉडल है आपका LS338 करके। एंड काफी टाइम पहले मैंने आपको ये वाला माइक दिखाया भी था, एंड उस टाइम पे ना मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे इस माइक से रिलेटेड कि भैया इस वाले के लिंक दो भाई, इस वाले माइक का लिंक दो। तो भाई मैंने ये ऑफलाइन खरीदा है एंड ये ऑनलाइन नहीं मिलता है। मैंने बहुत टाइम इसे सर्च भी किया है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या जो भी अदर साइट्स होती है ना, तो वो नहीं मिलता है। ऑफलाइन स्टोर पे आप जाके पूछ लेना। ये देखो लेवलियर का माइक्रोफोन है LS338 करके। एंड अभी आपको ना मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। मैंने जिस दिन लाया था उस दिन मैंने इसे खोला भी नहीं, ऐसे ही पड़ा है अभी तक। हाँ, तो ये देखो ये पूरा माइक्रोफोन। एंड ये वाले फोम की मैं बात कर रहा था, पहले जो मेरा माइक था ना तो उसका फोम खो गया था, तो मैंने उस पर ना ये रबर लगाया था ऐसा जो लड़कियाँ सिर पर बांधती हैं ना, ये देखो ये वाला रबर मैंने लगाया था ये। तो अभी भाई इस वाले पूरे माइक को मैं उतारता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि बस फोम चेंज करूँगा, बट सोचा कि चलो पूरा माइक इंस्टॉल कर देते हैं। एंड ये माइक एकदम बेस्ट है यार, बिकॉज इसमें ना आपको अगर आप GoPro यूज़ करते हो, मोटो ब्लॉगिंग करते हो, तो इसमें आपको कोई भी कन्वर्टर नहीं लगाना पड़ता। इसमें आपको ऑलरेडी दो रिंग मिलती है, ये देखो जज हो जा, हाँ तो ये दो रिंग मिलती है इसमें। या अभी मुझे पहले इसकी पूरी पैडिंग खोलनी पड़ेगी अपने माइक की, हेलमेट की। माइक लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है यार। ये देखो मैंने अभी दोनों साइड की पैडिंग तो खोल दी, एंड अभी मुझे लास्ट वाली जो ये वाली पैडिंग है ना इसे भी खोलना पड़ेगा। तो सारी पैडिंग खोलनी पड़ती है तब जाके पूरा माइक लगता है भाई। ये देखो अभी ये पूरा माइक निकल गया। ये देखो ये रहा मेरा पुराना वाला माइक एंड ये रहा मेरा न्यू वाला माइक। तो अभी इसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने अपना नया वाला माइक पूरा सेटअप कर दिया। ये देखो नया वाला माइक, ये इसकी फोम रही यहाँ पे, एंड ये पूरा माइक मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। एंड पुराना वाला माइक मेरा ये रहा। एंड देखो पुराना वाला ऐसे नहीं कि पूरा खराब हो गया, बट इसमें एक दिक्कत ये आ गई है कि इसमें ना यहाँ पे एक छोटा सा छेद टाइप का हो गया इस रबड़ पे। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से मतलब बाहर की जो वॉइस है ना बहुत ज़्यादा कैप्चर हो रही थी और मुझे मोटो व्लॉग में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एंड होप कि ये वाला जो माइक है ये अच्छे से काम कर जाए। और जब से मैं ये वाला माइक लाया हूँ ना तब से मैंने इसे टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, मतलब विंडोइस वगैरह जो भी होता है ना। तो अभी इसकी मतलब बाहर जाएंगे, इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करेंगे कि भाई ये कैसे करके वर्क कर रहा है, अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, जो भी होगा वो तो बाहर जाके पता चलेगा। पहले मैं ना घर में इसे कैमरा लगा के टेस्ट करता हूँ, ऐसा ना हो कि भाई पूरा बाहर जाके 7-8 का ब्लॉग बना दिया और वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, फिर तो मतलब ऐसा गुस्सा आता है ना सच में। मतलब जब पूरा मोटो ब्लॉग करते हैं वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं होती तो ऐसा दिल से ऐसा तो कि दर्द होता है भाई बहुत ज़्यादा। अभी पहले इस पर कैमरा सेट करता हूँ मैं, एंड उसके बाद वॉइस चेक करते हैं इसकी। तो अभी मैंने इस पर कैमरा सेट कर दिया, बाकी इसकी ना वॉइस एक बार मैं सुनता हूँ भाई आ रही है नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट भाई, अभी इसकी ना वॉइस सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। फाइनली भाई इसकी जो वॉइस है वो सही से रिकॉर्ड हो रही है। बिकॉज ना काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ये देखो ये पूरे चाइना का माल होता है, ठीक है, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भाई ये ना वर्क ही नहीं करता है। मतलब ऐसा है कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। और मतलब आप तो मैं इसे रिटर्न भी नहीं करा सकता बिकॉज मैंने 1-2 पहले खरीदा था ये। तो या अभी बाहर चलते हैं और जो इसका मेन टेस्ट होगा विंड नॉइस का, बाहर की जो वॉइस रिकॉर्ड करता है या नहीं करता। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन जैसे पूरी हाई है, मतलब जैसे उससे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी ना, वैसे इससे भी मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि ये अच्छे से वर्क करेगा एंड विंड नॉइस वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। बट जब हम ऑन ग्राउंड उतरेंगे, रोड पर उतरेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि भैया अच्छे से वर्क करता है या नहीं करता। बाकी अभी चलते हैं भाई मोटो व्लॉगिंग करने।
ऑल सेट गाइस, इट्स टाइम टू लीव एंड होप कि मेरी साउंड अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी यार। अभी ग्लव्स लेके चलते हैं एंड अभी हेलमेट वगैरह तो मैंने सब कुछ पहन दिया। ये तौलिया लटका हुआ मेरा इधर, ओहो हो सॉरी। एंड अभी कैब लेके चलते हैं, बाकी फटाफट निकलते हैं यार बिकॉज टाइम कितना हो रहा है देखो, 11:40 हो गया अभी, मतलब 12 बजने का आए हैं और जितना मैं लेट करूँगा ना उतनी ज़्यादा धूप लगेगी मुझे। फटाफट निकलते हैं अभी। ऑल राइट गाइस, अभी हम निकल चुके हैं अपने प्यारे प्यारे घर से इन प्यारी प्यारी सी सड़कों पे एंड टाइम अभी हो रहा है 11:48 एंड अभी आपको वॉइस का डिफरेंस तो पता चल ही रहा होगा। जो लोग मेरे ब्लॉग्स डेली देखते होंगे उन्हें तो प्रॉपर से पता चल रहा होगा कि भाई ब्लॉग में और वॉइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी मतलब ऐसा विंडोज़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा होगा, जो इसका मेन टेस्ट होगा ना वो तो अभी यहाँ पे इस मोड़ के बाद ही होगा। बिकॉज वहाँ पे हमें अपनी स्कूटी की स्पीड अच्छी खासी मेंटेन करके चल सकते हैं, लाइक 70 तक यहाँ पे खींच सकते हैं। ये देखो अभी यहाँ से देखो पूरी सीधी रोड है। तो अभी हम यहाँ से अपने माइक की क्वालिटी चेक करते हैं। अभी हमारी स्कूटी चल रही है 38 पे और यहाँ से आगे तक हम पूरी खींच के जाएंगे 70 तक। तो चलो भाई अभी टेस्ट करते हैं इसका विंडोज वगैरह। अभी मैं ना कंटिन्यूसली बोलते रहूँगा तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई विंडोज वगैरह कितना आ रहा। ये देखो अभी हमारी स्कूटी 70 पे है, 76, 70 हो गई है। तो अभी मैं पूरा आगे तक खींच के जाऊँगा अपनी स्कूटी को। यहाँ पे एक तो गाय माता वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, एंड अगर 70-80 में मतलब इतनी स्पीड में अगर विंडोज वगैरह नहीं आ रहा है फिर तो वर्थ इट है ये वाला माइक और जो इसका फोम है। बट अगर विंडोज वगैरह ज़्यादा आ रहा होगा फिर तो भाई हो गया, फिर मतलब ये काम नहीं कर रहा होगा अच्छे से। बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए बिकॉज मैं इसे काफ़ी टाइम पहले से यूज़ कर रहा हूँ ना। 78 तक मैंने मैक्सिमम अपनी स्कूटी की स्पीड खींच ही दी है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खींच सकता। अब एक जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा एकदम सिटी टाइप में, जब मेन रोड आएगी ना अगल बगल से गाड़ियाँ वगैरह चलेंगी। अभी तो मैं बैक साइड हूँ अपने घर की, जब मेन रोड पर हम आएँगे तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई ये बाहर की वॉइस कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज जो इससे पहले मैंने रबर वाला जो जुगाड़ किया था ना उसमें तो ये बहुत ज़्यादा बाहर की वॉइस कैप्चर कर रहा था यार, मतलब जो भी मेरे अगल बगल गाड़ी चल रही है, हॉर्न कोई बजा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा वॉइस कैप्चर कर रहा था। तो देखो अभी यहाँ से आपका पूरा मेन रोड स्टार्ट हो गया एंड अब इसका जो दूसरा टेस्ट था कि ये दूसरों की वॉइस कैप्चर करता है या नहीं करता, वो यहाँ से इसका स्टार्ट होगा भाई। अभी तो धीमे धीमे चलते हैं, एक तो रोड भी एकदम ही पतली पतली सी है ना, यहाँ पे ओवरटेक करने के लिए भी नहीं होता, मतलब ओवरटेक के हिसाब से पतली। हाँ मर्रा तो ठीक ठाक ही चौड़ी है भाई। ये देखो ये गाय माता ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है यार, बीच बीच रोड में आ जाती है। ओ यहाँ पे अभी येलो कलर की कोई कार गई यार, गाय माता के चक्कर में देखना ही भूल गया कार को। बट नॉर्मल कार थी आई थिंक, वो होंडा की पता नहीं। यहाँ पे भी अभी फिर से एक छोटा सा पैच आ गया जो कि एकदम सीधा सीधा सा है, यहाँ पे भी आपको विंडो इसका पता चल जाएगा। बट यहाँ से मुझे शिट मैन, मुझे यहाँ से टर्न लेना था यार। आगे पे आएगा क्या कोई पॉइंट जहाँ से मैं टर्न ले लूँगा, बिकॉज आगे चौक पे जाऊँगा ना तो वहाँ पे ट्रैफिक में फंस जाऊँगा। थैंक गॉड आ गया भाई यहाँ पे। चलो अभी यहाँ से टर्न लेके घर के साइड चलते हैं। चलो चलो आराम से आराम से। क्या बात, बस भाई मैं तो बाहर बस माइक टेस्ट करने आया था और मेरा कुछ काम नहीं था, वरना यहाँ पे मैं एक बार सोच रहा था कि मैं पुरकुल साइड जाता हूँ और वहाँ पर एक छोटी सी ऐसा रिवर टाइप का, ऐसे केव के अंदर रिवर टाइप की बनी है, नॉट लाइक अ प्रॉपर केव बट ऐसा है यार, दोनों साइड पहाड़ है और बीच में ऐसी छोटी सी नदी टाइप की है। और पहले तो हिडन लोकेशन हुआ करती थी बट अभी तो हिडन का तो पता नहीं, बस सारे ही लोग उधर ही पड़े रहते हैं। बट इस समझ में अभी वहाँ गया तो नहीं हूँ, लच्छी का भी टाइम मिलेगा तो जाएंगे यार। एक तो इतने दिन दिन में आपको पता होगा मैं बाहर नहीं निकलता हूँ भाई। एंड ये जो माइक अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला माइक मुझे बेस्ट इसलिए लगता है बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा कन्वर्टर वगैरह नहीं आता है, ये डायरेक्टली आपके अडेप्टर में लग जाता है। जो लोग भी मतलब गोप्रो वगैरह यूज़ करते होंगे, मोटो लॉगिंग करते होंगे, उन्हें पता होगा भाई अगर आप माउनो का या फिर रोड का माइक यूज़ करते हो तो उसमें आपको एक कन्वर्टर लगाना पड़ता है, जो कि मुझे काफ़ी सा ऑड सा लगता है, बाहर बाहर आता है बट ये डायरेक्टली आपके अडेप्टर में लग जाता है। तो एक पार्ट तो इसका ये है, सेकेंड थिंग इसमें आवाज़ बहुत प्यारी सी रिकॉर्ड होती है यार। मैंने माउनो वगैरह भी कभी कभी ऐसा यूज़ किया और बहुत सारे लोगों के मोटोलॉग भी देखे हैं ना, तो उनमें हल्की हल्की सी विंडोज़ तो आती है। बट जब से मैं इसे मतलब यूज़ कर रहा हूँ, आज का तो मुझे नहीं पता बिकॉज ये तो मैंने अभी इंस्टॉल किया है ना, बट इससे पहले जो मैं सेम माइक यूज़ कर रहा था
उसमें तो विंड नॉइस बिल्कुल भी नहीं आता था। सच में कई सारे लोग तो बोलते थे कि भाई आप ऐसा मतलब वॉइस ओवर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कि भाई बाहर की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, भाई बगल से गाड़ी चल रही, कोई चिल्ला रहा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, बस मेरी साउंड रिकॉर्ड होती है। तो यही चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुका हूं एंड अभी मैंने अपने कैमरे की वॉइस क्वालिटी वगैरह चेक की, मुझे तो बहुत सही लग रही है उस हिसाब से। मतलब वैसे जो कैमरे का जो स्पीकर होता है ना वो ज़्यादा सही तो नहीं होता है, बट फिर भी मतलब जितनी भी मुझे सुनाई दे रही थी उतना सही लग रहा है। बट जब मैं 70-75 पे गया था ना तो उस टाइम की जो वीडियो क्वालिटी है ना तो उसमें वॉइस ना मतलब वैसे तो सही आ रही है बट एकदम दीदी 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 करके ऐसे पीछे से टक 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 करके कुछ तो साउंड आ रहा है। अब पता नहीं मुझे ये कैमरे में सुनाई दे रहा है, जब मैं मतलब फ़ोन में ये फुटेज वगैरह डालूंगा तब भी सुनाई देगा या नहीं देगा, मुझे तो उसका नहीं पता। बाकी आप लोग ही अच्छे से कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई वॉइस क्वालिटी मतलब कैसी है, वॉइस क्वालिटी वगैरह कैसी है, तो आप लोग ज़रूर से कॉमेंट करके बताना। एंड हाँ, मैं आपको हमेशा ऐसे नहीं बोलता हूँ, है ना, कभी कभी बोलता हूँ हाँ, तो भाई कमेंट वगैरह कर दिया करो, दिल से बहुत सही लगता है। वीडियो पे व्यूज़ आए ना आए बट 4-5 भी अगर कमेंट होते, 10 कमेंट भी होते ना तो दिल से अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। एंड आप लोग अगर किसी भी स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, तो वहाँ से कमेंट कर दिया करो, तो देख के अच्छा सा लगता है कि उत्तराखंड के अलावा मुझे और लोग भी देखते हैं। बाकी इस वाले ब्लॉग को इतने रहने देते सो ओके गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतने। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बिलो फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। तो तब तक के लिए बाय पुची।